नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG के बारे में। इस सेक्शन के अंतर्गत ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ टैक्स पेयर जिन्हें हाउस रेंट का अलाउंस नहीं मिलता है, लेकिन वो रेंटेड घर में रहते हैं और उस घर के लिए हाउस रेंट पे करते हैं, तो इस सेक्शन 80GG के अंतर्गत ऐसे टैक्स पेयर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म 10BA, और इस फॉर्म को इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन भरना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि इस फॉर्म 10BA को इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे भरे। इसके लिए हम चलेंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तो यहाँ हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन कर लेना होगा और इसके बाद यहाँ ई फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद अब यहाँ हमें तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ जो एक तीसरा वाला ऑप्शन है, पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ एक फॉर्म दिखाई देगा, फॉर्म 10BA डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, यहाँ फाइल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ टैक्स पेयर का पैन नंबर दिखाई देगा। अब यहाँ असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ असेसमेंट ईयर 2023-2024 को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना होगा। तो अब यहाँ टैक्स पेयर को डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है, यहाँ हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है और यहाँ डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स देख लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ हाउस नंबर 1 दिखाई देगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पीरियड सिलेक्ट करना होगा, किस पीरियड के दौरान आपने हाउस रेंट पे किया है। तो यहाँ हम पूरे साल भर के लिए डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं, तो पूरे साल भर का पीरियड यहाँ सिलेक्ट है। इसके बाद यहाँ पूरे साल भर में कितना रेंट पे किया है उसकी अमाउंट एंटर करनी होगी। उसके बाद यहाँ पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होगा, रेंट का पेमेंट किस तरह से किया है, कैश में किया है, चेक से किया है, या बैंक ड्राफ्ट से किया है, या ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, वो यहाँ सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ कैश ले लेंगे। इसके बाद अब जिस प्रीमाइसिस के लिए हमने रेंट पे किया है उस प्रीमाइसिस का यहाँ एड्रेस एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसकी डिटेल्स देनी होगी, उसका नाम देना होगा और उसका एड्रेस लिखना होगा। तो यहाँ हम इस सब डिटेल्स को लिख लेते हैं। अब यहाँ मैंने प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस भी लिख लिया है और प्रॉपर्टी ओनर का नाम भी लिख लिया है और उसका एड्रेस भी लिख लिया है। इसके बाद हमें नीचे आना होगा। अब यहाँ सेव वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ हाउस प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ एक डिक्लेरेशन दिखाई देगा, यहाँ टिक करना होगा, यहाँ प्लेस एंटर करना होगा और यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें हमारा फॉर्म 10BA दिखाई देगा, इसके अंदर की सारी डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं, इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ प्रोसीड टू ई वेरीफाई वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस फॉर्म को ई वेरीफाई कर लेना है और इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। एक बात यहाँ ध्यान रखनी होगी कि अगर ये फॉर्म सबमिट नहीं करते तो इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।